उत्तर पश्चिम भारत के न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट का अंदेशा। मध्य भारत के कई इलाकों में भी 2 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। बुधवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पाला पड़ने का अनुमान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं पड़ सकता है पाला। और 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावना। तो गुरुवार को केरल और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी चल सकती हैं तेज हवाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत, मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां चल सकती हैं सर्द हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे में किसानों के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की खास खबरों पर। अगले 2 दिन क्या कुछ खास रहेगा ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। खासतौर से अगर बात करें उत्तर पश्चिम भारत की, तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री तक गिरावट का अंदेशा जताया गया है। वहीं मध्य भारत की भी अगर बात करें तो कई इलाकों में 2 डिग्री तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आपको बता दें बुधवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं पाला पड़ने का भी अनुमान है। वहीं बुधवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत उत्तरी राजस्थान में भी कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर कहीं कहीं शीतलहर चलने का भी अनुमान है। गुरुवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चलने का अंदेशा है। पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो बुधवार को यहां पर कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो बुधवार को यहां भी कहीं कहीं सर्द हवाएं चल सकती हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात करें तो बुधवार को कहीं कहीं दिन ठंडा रहने की संभावना है। इन राज्यों में शीतलहर का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। साथ ही बुधवार को पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह दिन ठंडा रह सकता है। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं बारिश के अनुमान की, यानी देश के अलग हिस्सों की अगर बात की जाए अगले 2 दिन कहां कहां बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। बुधवार और गुरुवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी बारिश होने की उम्मीद नहीं दिख रही है। वहीं बुधवार और गुरुवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात के आसार नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है। बुधवार और गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की संभावना नहीं है। 2 दिन असम और मेघालय में बरसात के आसार नहीं है। बुधवार और गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में बारिश का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी बरसात के आसार नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात के आसार नहीं है। वहीं बुधवार और गुरुवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं है। वहीं 2 दिन मराठवाड़ा में बरसात का अनुमान नहीं है, जबकि बुधवार को कोंकण गोवा में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। दक्षिण भारत की बात करें तो बुधवार और गुरुवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं 2 दिन रायलसीमा में बरसात के आसार नहीं है, जबकि बुधवार और गुरुवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं गुरुवार को कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं कहीं बरसात के आसार दिख रहे हैं। साथ ही बुधवार को केरल में इक्का दुक्का जगह बारिश का अंदेशा है। वहीं बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। लक्षद्वीप में गुरुवार को कुछ स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है।
और आइए अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। सबसे पहले बात अगर की जाए दक्षिण भारत की ही तो आपको बता दें तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में इक्का दुक्का जगह बारिश दर्ज हुई। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कहीं कहीं बादल बरसे। शीतलहर की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चली। जम्मू और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह शीतलहर दर्ज की गई तो पंजाब में कई जगह सर्द हवाएं चली। हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी कहीं कहीं शीतलहर चली। इसके अलावा राजस्थान के उत्तरी इलाकों में इक्का दुक्का जगह शीतलहर चली। बात अगर करें खासतौर से मध्य भारत की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चली। साथ ही सौराष्ट्र और कच्छ में भी इक्का दुक्का जगह सर्द हवाएं चली। आपको बता दें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं दिन काफी ठंडा रहा। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन ठंडा रहा। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहा। साथ ही पश्चिम मध्य प्रदेश में दिन में कुछ जगह ठंड महसूस की गई तो सौराष्ट्र और कच्छ में भी कहीं कहीं दिन ठंडा रहा। इसके अलावा कोहरे की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह घना कोहरा छाया रहा। पंजाब में भी कई जगह काफी घना कोहरा रहा। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बेहद घना कोहरा छाया रहा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कोहरे की स्थिति घनी दर्ज की गई जबकि दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी घना कोहरा छाया रहा। वहीं तमिलनाडु में भी कहीं कहीं घना कोहरा देखने को मिला। और आइए अब जान लेते हैं तापमान का हाल भी। सबसे पहले बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की। आपको बता दें छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। बात अगर की जाए मराठवाड़ा की तो यहां पर ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम यानी नीचे दर्ज किया गया। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज हुआ। गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर जगहों पर अधिकतम तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। आपको बता दें देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक के मैंगलोर में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान रहा 35.3 डिग्री सेल्सियस। और आइए बात कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति की। सबसे पहले अगर बात करें मध्य महाराष्ट्र की तो यहाँ पर आपको बता दें कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। विदर्भ की अगर बात करें तो कई जगह न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी अनेक जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर यानी अधिक दर्ज हुआ जबकि राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। वहीं गुजरात में भी आपको बता दें अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। पश्चिम मध्य प्रदेश में अनेक जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज हुआ। साथ ही पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी राजस्थान के चुरू में दर्ज हुआ। यहां तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। विपदा कोई भी हो पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आपको बताते समय देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में फसलों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फिलहाल दक्षिण भारत की अगर बात करें तो किसानों के लिए यहां पर जो कृषि विशेषज्ञ हैं क्या सलाह दे रहे हैं, यानी किसान कौन कौन से कृषि कार्य यहाँ कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा इलाके में इस समय सांभा धान में रोगों के लगने की संभावना है। वहीं पश्चिमी तमिलनाडु में अंगूर में तापमान में कमी होने से रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में इन इलाकों के किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही तमिलनाडु के पहाड़ी इलाके में फसलों को पाले से बचाने के लिए पौधों के चारों ओर मल्चिंग करें। वहीं दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों के किसान धान की नर्सरी तैयार करें, यहीं रागी की कटाई और गन्ने की रुपाई जारी रखें। दक्षिणी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में ही धान की कटाई के बाद कुल्थी, काबुली चना, मूंग और उड़द जैसी कम अवधि वाली दलहनी की बुआई करें। उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में कपास की चुनाई के अलावा धान और गन्ने की कटाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ के किसान प्याज की खुदाई का काम भी पूरा कर लें। वहीं तटीय कर्नाटक में मूंगफली, उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ सब्जियां भी लगाते रहें। तटीय कर्नाटक के किसान इस समय सुपारी, नारियल और काली मिर्च के बागों में सिंचाई करें। तटीय कर्नाटक में ही इस मौसम में बेला के फूलों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, किसान इसकी निगरानी करते रहें। तेलंगाना में इस समय कम अवधि वाली रबी धान की नर्सरी लगाते रहें। इसके साथ ही यहां धान की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए शाम को बांस के डंडों के सहारे पॉलिथीन शीट से ढके और सुबह हटा दें। इसके साथ ही तेलंगाना में शाम को फसलों में सिंचाई करें और सुबह खेतों से पानी बाहर निकाल दें। तेलंगाना में ही फलों के छोटे पौधों को सर्द हवाओं से बचाने के लिए पुआल, जूट बैग या फिर पॉलिथीन शीट से ढके। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आज की फसल में बात करते हैं सरसों की। कुछ किसान हैं जो कि पछेती बुआई भी करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो भारत में, हमारे देश में बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाती है। अच्छी पैदावार के लिए कदम कदम पर एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है, यानी शुरुआत से ही बीजों के चुनाव से लेकर जब तक आप ये खेत में रहती है, इसकी कटाई का समय आता है, जब तक कई तरह का प्रबंधन आपको करना पड़ता है। फिलहाल का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा जिससे उपज आपको अच्छी मिल सके, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रबी सीजन के दौरान तिलहनी फसलों में सरसों का खास स्थान है। सरसों को पानी की कम जरूरत होती है, यानी सीमित सिंचाई की दशा में भी ये अधिक लाभदायक है। उन्नत विधियां अपनाकर अधिक पैदावार ली जा सकती है। बुआई के समय 25 से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त रहता है। इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। सरसों के खेत में पानी ठहरना नहीं चाहिए, खेतों से जल निकासी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक हेक्टेयर बुआई के लिए 3 से 4 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। कतार से कतार के बीज की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। बुआई के 15 से 20 दिन बाद घने पौधों को निकाल दें और दो पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी कर दें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। सरसों की खेती के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद की बुआई से पहले और अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए तथा सिंचित दशा में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटाश तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा बुआई से पहले अंतिम जुताई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। सरसों में पहली सिंचाई फूल आने के समय और दूसरी फलियों में दाने भरते समय करनी चाहिए। जाड़े के मौसम में अगर बारिश हो जाए तो दूसरी सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती। बुआई से पहले मिट्टी की जांच जरूर कराएं।
सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाए तब फसल को काट कर सुखा कर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेने चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखा कर ही भंडारण करना चाहिए। तो जाना आपने किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे अच्छी उपज आपको आने वाले समय में मिल सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से खासतौर से हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में किसान जो हैं सेब के नए पौध लगाने के लिए खड्डा तैयार कर सकते हैं। अभी का जो समय है इसके लिए सही है। साथ ही इस इलाके में यानी हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके में ही किसान पौधों को ठंड से बचाने के लिए पुआल से ढकें। हिमाचल प्रदेश में ही तैयार अनार की डंठल के साथ किसान तुड़ाई कर लें, जबकि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में तैयार फलों की तुड़ाई किसान कर लें। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में ही प्याज की रोपाई का काम किसान पूरा कर लें। भाबर और तराई इलाके में जौ की बुआई का काम किसान पूरा करें। उत्तराखंड के मध्यम ऊंचाई वाले इलाके में मटर की बुआई किसान कर सकते हैं। उत्तराखंड के किसान आलू की फसल को पाले से जरूर बचाएं। जाना आपने किन किन खास बातों का ख्याल आपको यहां रखना होगा। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। एक्चुअली आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से अगर बात की जाए खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की, तो यहां आपको बता दें शुष्क मैदान इलाके में किसान जौ की बुआई कर सकते हैं। जौ में आरडी 2052, 2508 और 2715 जैसी किस्मों का चुनाव आप कर सकते हैं। जौ की बुआई के लिए बीज दर 25 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। पूरी राजस्थान में इस समय पपीते में रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए प्रभावित पौधों को जड़ से उखाड़ कर नष्ट कर दें। इसके साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में किसान गन्ने की कटाई शुरू कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान के मैदानी इलाके में किसान सरसों की फसल को कीटों से बचाएं। राजस्थान में ही पछेती गेहूं की बुआई का काम भी जल्द पूरा कर लें। मौसम के लिहाज से जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, लेकिन बात अगर की जाए खासतौर से आने वाले 2 दिनों की, तो और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए इस पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। खासतौर से आपको बता दें बुधवार की अगर बात की जाए तो उत्तरी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है।
बुधवार और गुरुवार को बिहार में कद्दूका जगह सर्द हवाएं चलने की संभावना है। दो दिन ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ की अगर बात करें तो यहां भी बुधवार को कहीं कहीं शीतलहर चलने का अनुमान है। दो दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं आपको बता दें काफी घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। वहीं दो दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कद्दूका जगह घना कोहरा छा सकता है। बुधवार को पश्चिमी राजस्थान में भी आपको बता दें कहीं कहीं घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं दो दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चल सकती हैं। गुरुवार को दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। केरल और माही की अगर बात करें तो गुरुवार को यहां पर कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। और आइए अब चलते चलते एक नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताजा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।